चीनी जो कि हमारे रोजमर्रा खानों में मुतवातिर इस्तेमाल होती है, अगर 1000 रुपए किलो भी हो जाए तो हम इसको खरीद कर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मिठास हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अल्लाह ताला ने चीनी का एक ऐसा मुतबादिल पैदा फरमा रखा है जो चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते। स्टीविया अपने मीठे पत्तों और सिफर हरारों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। ये कुदरती तौर पर पैराग्वे और ब्राजील में पाया जाता है, लेकिन अब इसकी काश्त दुनिया भर में शुरू हो गई है। ये एक सालाना पौधा है जो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसके पत्तों की लंबाई 2 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। स्टीविया के पत्ते चीनी से 10 से 15 गुना ज्यादा मीठे होने के साथ साथ गजाइत से भरपूर होते हैं और इसका स्टीवियोसाइड चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा होता है। स्टीविया चीनी का बेहतरीन मुतबादिल है। इसके पत्तों से हासिल किए जाने वाले 1 किलोग्राम सफूफ की मिठास 300 किलोग्राम चीनी की मिठास के बराबर होती है। माहिरीन के मुताबिक स्टीविया की मिठास को चाय और मशरूबात में शामिल करके सालाना चीनी की तलब में 6 से 8 लाख टन तक कमी लाई जा सकती है। जब हमने स्टीविया के बारे में अयूब जरीह तहकीकती इदारा फैसलाबाद के एग्रीकल्चर रिसर्च इंजीनियर गुलाम अब्बास से बात की तो उनका कहना था, जहाँ तक इसके एडवांटेजेस की बात है, मेनली ये हमारे यहाँ ये इसका यूज़ जो है वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये एक जीरो कैलोरिक प्लांट है। जीरो कैलोरिक मतलब ये होता है कि उससे जो है ना कोई एनर्जी नहीं आपके जिस्म को जानी, ये सिर्फ मिठास है, जैसे कुदरती मिठास है। ये नेचुरल स्वीटनर आप इसे कह सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, इसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। इसका मेन जो यूज़ है वो इसकी मिठास के लिए। हमने जो इस यहाँ से स्टडीज़ की हैं उसमें 1 ग्राम से हमारे 4 चाय के कप जो है वो मीठे हो सकते हैं, यानी कि 250 मिलीग्राम से आप 1 चाय का कप जो है वो मीठा कर सकते हैं। पाकिस्तान में अयूब जरी तहकीकती इदारा फैसलाबाद में इस पौधे पर रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है और इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली गई है। पंजाब के 10 अजला फैसलाबाद, लाहौर, कसूर, सियालकोट, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, लैया, बहावलपुर और जंग में इसके नुमाइशी प्लॉट्स लगाए गए थे। स्टीविया के खुश्क पत्तों में बहुत से गजाई अज्जा पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन, नशास्ता, विटामिन सी, फोलिक एसिड, नायासीन और थायामीन सरे फहरिस्त हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम और पोटाश भी स्टीविया में पाए जाते हैं। स्टीविया को काश्त करने के लिए इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी बीज, कलम और टिश्यू कल्चर से तैयार की जा सकती है। जहाँ तक इसको काश्त करने का ताल्लुक है जी, इसको हम यहाँ पे 3 तरह से काश्त कर रहे हैं। एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सीड के जरिए से हम इसकी नर्सरी रेज करते हैं, बीज के जरिए से नर्सरी बनाते हैं। दूसरा तरीका कार होता है इसमें कलमकारी का, कटिंग करते हैं हम इन सीड की, जो हमारे पास ये टॉप पोर्शन होता है इसको हम कट करने के बाद इसको हम फर्दर आगे दोबारा से इसकी कलम लगा सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो है टिश्यू कल्चर का। स्टीविया को बजरिया बीज उगाने के बारे में रिसर्च से ये मालूम हुआ कि स्टीविया के बीज की शरह उगाव आमतौर पर बहुत कम होती है। गहरे भूरे और स्याह रंग के बीज का उगाव बेहतर होता है। स्टीविया के बीज के उगाव के बारे में जानने के लिए हमने फैसलाबाद में मौजूद स्टीविया के एक काश्तकार से बात की तो उनका कहना था, अगर आपने स्टीविया को लगाना है, स्टीविया को लगाने के 2 मेथड हैं। आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं, आप इसको सीडलिंग से लगा सकते हैं। सीडलिंग का तरीकाकार ये है कि आप नवंबर के महीने में इसके सीड्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं और उनको आगे लगा देते हैं। उसको लगाने के लिए उसका तरीकाकार ये है कि आपने 1/3 मिट्टी लेनी है अपने लान की, या जो भी अवेलेबल है सिंपल मिट्टी वो ले लेनी है। 1/3 आपने काओ डंक ले लेना है, जिसको हम गोबर कहते हैं आसाम जबान में। तो 1/3 आपने रेत ले लें या बालू मिट्टी बोलते हैं, ये जिन दरियाओं और ये जो है नहरों की मिट्टी, तो इसको हमारे यहाँ पे तो बल बोलते हैं। 1/3 वो पोर्शन लेके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसको किसी पॉट में डाल दें, किसी क्यारी में डाल दें। उसके बाद इसके जो स्टीविया के सीड्स हैं वज़न में बहुत हल्के होते हैं, तो आपने सीड को किसी भी चीज़ में मिट्टी में मिक्स कर लें, कोको पीट मिल जाए उसमें मिक्स कर लें, या पीट मॉस मिल जाए उसमें मिक्स कर लें। उनमें मिक्स करके इसको ज़मीन के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और उसको शावर के साथ हल्का हल्का पानी लगाना है, तो इसकी पनीरी तैयार हो जाएगी। अगर आप अक्टूबर में लगाते हैं या नवंबर में लगाते हैं तो जनवरी तक, जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्ट में इसके जो पौधे हैं वो 4 से 6 इंच के हो जाते हैं। ये आपकी नर्सरी तैयार हो गई है। स्टीविया का शरा बीज 20 से 25 ग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि इसके बीज बहुत बारीक और वजन में बहुत हल्के होते हैं। अगर बीज का शरा उगाव 60 से 70% हो तो इस सूरत में 40 से 50 हजार पौधे 20 से 30 ग्राम बीज से हासिल किए जा सकते हैं, जो कि 1 एकड़ के लिए काफ़ी हैं। जो सीड है ये तकरीबन
एक ग्राम में 1800 से 2000 सीड आता है। इसका जो इस वक्त सरकारी ऑफिशियल रेट जो है वो तकरीबन 200 पर ग्राम है, और एक ग्राम में इसका जो बनती है सीड वो तकरीबन 1800 से 2000 सीड बनता है एक ग्राम में। तो अगर हम देखेंगे इसको वैल्यू वाइज तो हमें लगेगा कि ये 2 लाख रुपए पर केजी है, तो एक्चुअली है इसका रेट यही कि 2 लाख रुपए पर केजी बनता है, लेकिन इसकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है एक ग्राम में कि आपके पर एकड़ में अगर जो हमारे साइंसदान बताते हैं वो कहते हैं कि 30 ग्राम सीड आपके पर एकड़ के लिए काफ़ी है। स्टीविया की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी की बात की जाए तो स्टीविया की काश्त के लिए हल्की मैरा ज़मीन यानी रेतली ज़मीन ज़्यादा मौजूद होती है। काश्त से पहले ज़मीन में खेलियां बनाई जाती हैं। ज़मीन में 2 से 3 मरतबा गहरा हल चलाया जाता है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जो ज़्यादा इसको सूटेबल मिट्टी है वो ड्रेनेज सॉयल होती है, जिसको हम रेतली ज़मीन कहते हैं या मैरा ज़मीन बोलते हैं, तो ज़्यादा सूट तो वही करती है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर कहीं पे चिकनी मिट्टी की मकदार थोड़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे ये पौधा ग्रो नहीं करेगा। थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़रूर होगा कि उसकी जो अपना प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम होगी, उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन मायूस कुन वहाँ पे भी नहीं होगी। तो दूसरी चीज़ की जो आपने खेलियाँ बनानी हैं, बिल्कुल कमाद की जो खेलियाँ बनती हैं उसी हल के साथ उसकी खेलियाँ बनानी हैं, और प्लांट से प्लांट का जो फासला रखना है आपने मिनिमम 9 इंच रखना है, मैक्सिमम 1 फुट तक रखना है। और इसकी जब प्लांट आपका नर्सरी तैयार हो जाए तो कोशिश कीजिए उसको 1 माह बाद उसकी प्रूनिंग कर दें, ऊपर से तोड़ दें, ताकि नीचे से फिर नई शाखें निकलनी शुरू हों। तो आपका प्लांट एक तो हेल्दी रहेगा, दूसरा उसकी नई नई शाखें होंगी और आपकी जो है प्रोडक्शन वो भी बढ़ेगी इसके साथ। स्टीविया के पौधों को पहला पानी खेत में मुंतकिली के फौरन बाद दिया जाता है। बाद में मौसम और ज़मीन को मद्देनजर रखते हुए हस्बे ज़रूरत हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा हल्की आपपाशी की जाती है। स्टीविया के पौधों पर दीमक, रस चूसने वाले कीड़े और लश्करी सुंडी हमला करते हैं, लेकिन ये कीड़े पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते। ताहम किसी जगह कीड़े के शदीद हमले की सूरत में इसका तदारुक नहायत ज़रूरी है। इसके ऊपर पेस्ट वगैरह हमला नहीं करते, इसको बीमारियां बहुत कम लगती हैं। आ जाके एक सफ़ेद मक्खी बाज़ूकात हमला करती है या एक तेला वगैरह हल्का फुल्का आता है तो उसके ऊपर एक स्प्रे करनी पड़ती है तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। स्टीविया के फी एकड़ खेत में से 40 से 45 मन खुश्क पत्ते 2 कटाइयों में हासिल किए जा सकते हैं। स्टीविया के बराह रास्त इस्तेमाल की बात की जाए तो इसके खुश्क पत्तों को पीस कर पाउडर की सूरत में चाय या दूसरे खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। 250 मिलीग्राम पत्तों का पाउडर 1 कप चाय को मीठा करने के लिए काफी है। इसी तरह 1 ग्राम पत्तों से चाय के 4 कप मीठे किए जा सकते हैं। इस तरह दूसरे खाने की अशिया में हसबे जायका पत्तों की मकदार इस्तेमाल की जा सकती है। स्टीविया में गजाइत और मिठास के अलावा बहुत से तिब्बी फवायद भी पाए जाते हैं, जैसा कि 0 कैलोरिक होने की वजह से ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। यह खून में शुगर की मकदार को कम करता है। इसके साथ साथ स्टीविया ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा मौजूद है। स्टीविया में आयरन की अच्छी मकदार होने के बायस यह खून के हुलियों के बनने और खून की नालियों को मजबूत करने में भी मदद देता है। 0 कैलोरिक होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट इसको सेफली यूज कर सकते हैं, वो अपनी मिठास के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा है, ये हड्डियों की मजबूती के लिए, आपके मसूड़ों में ये मजबूती के लिए, और आपकी मुंह की जितनी भी उनके अमराज हैं दांतों की, तो यूज के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। स्टीविया माशी लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। स्टीविया की 1 साल में 2 कटाइयां हासिल की जा सकती हैं और इसका फी एकड़ मुनाफा दूसरी कई फसलों से ज्यादा होता है। अयूब जरी तहकीकाती इदारा फैसलाबाद में मौजूद एग्रीकल्चर रिसर्च इंजीनियर के मुताबिक स्टीविया का फी एकड़ खर्च तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब है, जबकि रवायती फसलों यानी गंदम और कपास वगैरह का खर्च तकरीबन 90,000 रुपए फी एकड़ होता है। तहम आमदन के लिहाज से स्टीविया बाकी फसलों से ज्यादा फायदेमंद है। इसकी फी एकड़ कटाई से सालाना 9 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, जबकि रवायती फसलों से ज्यादा आमदन 2 लाख रुपए के करीब होती है। इस लिहाज से सालाना मुनाफा का जायजा लिया जाए तो स्टीविया तकरीबन सालाना 4 से 5 लाख रुपए मुनाफा देता है। इस कदर मुनाफा बख्श और गजाई और तिब्बी फवायद का हामिल होने के बावजूद स्टीविया को बड़े पैमाने पर काश्त नहीं किया जा रहा। इस बारे में एग्रीकल्चर रिसर्च इंजीनियर का कहना था कि
जहाँ तक इसकी पाकिस्तान में कल्टीवेशन की बात है ऑन ह्यूज स्केल, तो इसमें यह है कि हमारे पास, ये मैंने आपको भी बताया कि इस साल भी हमारे पास तकरीबन ये 13,000 पौधे हमने सेल किए हैं। डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, लोग हमसे लेके जाते हैं सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से। लेकिन इसमें मेन जो इशूज़ कंसर्न आता है इसमें क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि हमारा नेटिव नहीं है तो उसमें उन्हें इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसके जो है ना वो किसान जो है वो इस चीज़ से थोड़ा हिचकिचाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतनी लेबर इसमें अवेलेबल नहीं है कि इसमें आप कंटिन्यूस गोडी करवा सकें ऑन ह्यूज स्केल। जबकि हमारे यहाँ तो ये, क्योंकि डेमो प्लॉट्स रिसर्च ट्रायल्स हैं तो इसमें तो हम काम करवा सकते हैं, जबकि जब आप एकड़ों के एकड़ लगाएंगे तो उसमें इसमें काम करना मुश्किल होता है। एक वजह तो उसमें ये होती है, दूसरी वजह यह है कि इसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा इशू है। अगर किसान किसी भी तरह से इसको कामयाब कर भी लेता है तो इसको मार्केट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो लोगों की एक सोच बन चुकी है कि हमने चीनी ही इस्तेमाल करनी है। हमारे पास अगर कस्टमर आता है तो हम उससे कहते हैं कि ये 1,000 रुपये किलो है, वो कहते हैं जी फिर इससे तो चीनी बेहतर है जो 100 रुपये किलो अवेलेबल है। तो लेकिन वो इसको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि इसमें हेल्थ बेनिफिट्स इसके कितने हैं। जो डाइट कॉन्शियस पीपल हैं वो लेते हैं, अब ये रेडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप सुपर स्टोर, किसी भी सुपर स्टोर को विजिट करेंगे तो आपको स्टीविया की बेबहा प्रोडक्ट्स वहाँ पर मिलेंगी। चीनी का मुतबादल होने और इस कदर फवायद का हामिल होने पर स्टीविया को अगर एक तिलस्माती पौधा कहा जाए तो ये गलत ना होगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसकी बड़े पैमाने पर काश्त और मार्केटिंग पर गौर दे तो स्टीविया से कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर बहुत से फवायद हासिल किए जा सकते हैं।